हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और आसान सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लेडी स्वेटर, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, गर्ल्स टॉप, कुर्ती या फिर आप कार्डिगन जैकेट पर आप इसको डाल सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। और ये डिज़ाइन जो है चार सिलाइयों का है। आपने चार सिलाइयाँ रिपीट करते हुए जानी है अपने पूरे प्रोजेक्ट में। रॉन्ग साइड की इस तरह से बनती है और ये हमारा जो पैटर्न है सीधी साइड से शुरू होता है। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो आपको फंदे चाहिए होंगे वो 12 के मल्टीपल फंदे आपको चाहिए होंगे। आपने जब भी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे डालने हैं 12 के मल्टीपल करते हुए जाना है और लास्ट में आपके पास जो है 9 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट के ऊपर सेटल हो जाएगा। तो चलिए अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 33 फंदे लिए हैं, 33 स्टिचेस, 12 के मल्टीपल करके 24 और 9 फंदे एक्स्ट्रा। आपने सबसे पहले इसके लिए बॉर्डर बना लेना है। जो बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बॉर्डर आप पहले बना लीजिएगा। और बॉर्डर के बाद हमारा ये डिज़ाइन जो है सीधी साइड से शुरू होगा। तो चलिए अभी इस डिज़ाइन की हम पहली सिलाई बनाते हैं जो कि सीधी साइड है। ये हमारा पहला फंदा है एज स्टिच, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। और अभी यहाँ पर हमने 7 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। 7 फंदे हमने सीधे बनाए। अब यहाँ से इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे आगे से सिलाई डालते हुए। इस तरह से ये देखिए आगे से सिलाई डाली और 2 का 1 बनाया इस तरह से। अभी यहाँ पे धागा अपनी ओर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे जाली देनी है और इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, जाली देंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को ऐसे उतार कर पलटेंगे, वापस इस वाली सिलाई में लेंगे लेफ्ट वाली में और बैक से दोनों को 2 का 1 बनाएंगे। जाली देनी है यहाँ पर, नहीं तुम्हारा एक फंदा कम हो जाएगा। ये देखिए ऐसे इन्हीं 12 फंदों को हमने रिपीट करना है अपनी पहली वाली सिलाई में। 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर जाली देंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली देंगे, फिर 2 का 1 किया, ठीक है। फिर से हमने ऐसे रिपीट करना है, 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 फंदे सीधे बनाए। इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे आगे से सिलाई डालते हुए। इस तरह से 2 का 1 किया, धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पर जाली देंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे, जाली देंगे, इस फंदे को वैसे उतारेंगे, पलट कर वापस लेंगे और बैक से 2 का 1 बनाएंगे। अभी यहाँ पर हमने 7 फंदे सीधे बनाने हैं, लास्ट में हमारे 7 फंदे सीधे आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट का हमारा एज स्टिच सीधा। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, हमने ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताई। अभी आ जाइए रॉन्ग साइड और इस डिज़ाइन की दूसरी सिलाई, इसको हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। रॉन्ग साइड से इस डिज़ाइन की जितनी भी सिलाइयाँ बुनी जाएंगी वो हमने पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इसकी रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। अभी हम आ गए हैं सीधी साइड और ये डिज़ाइन की हमारी तीसरी सिलाई है। इसको हमने कैसे करना है, एज स्टिच को ऐसे उतारेंगे, अभी यहाँ पर धागा अपनी ओर करेंगे,
और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों को 2 का 1 करेंगे आगे से सिलाई डालते हुए, इस तरह से 2 का 1 किया, ठीक है। धागा अपनी ओर करेंगे, जाली देंगे और यहाँ पर अभी हमने ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बनाना है, 1, 2 और ये 3, 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पर जाली देंगे और इस फंदे को वैसे पलटेंगे, इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे बैक से सिलाई डालते हुए। अभी एज स्टिच को छोड़कर 6 फंदे हमने उल्टे बनाए, 2 का 1 किया, जाली दी, 3 फंदे सीधे बनाए, जाली दी, 2 का 1 किया, ठीक है। अभी बीच में ही अभी हमारे 5 फंदे उल्टे आएंगे, ठीक है। पहले हमारे फंदे 7 थे बीच में, अब यहाँ पर हमारे 5 फंदे आएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों को 2 का 1 बनाएंगे, इस तरह से आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 किया, धागा अपनी ओर करेंगे, जाली देंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3, 3 फंदे सीधे, जाली देंगे, इन दो फंदों को 2 का 1 करेंगे, फंदे को पलटेंगे और बैक से 2 का 1 बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, लास्ट में हमारे पास 6 फंदे उल्टे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, धागा पीछे, लास्ट का एज स्टिच हमारा सीधा। अब ये देखिए, शुरू में और लास्ट में हमारे पास 6 फंदे आएंगे उल्टे, और बीच में हमारे पास जितने भी होंगे वो हमारे 5-5 फंदे ही आते जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुरू में हमारे पास 6 फंदे आएंगे, लास्ट में हमारे पास 6 फंदे आएंगे उल्टे, और बीच में जितने भी होंगे वो हमारे 5-5 फंदे ही आएंगे। अभी ये जाइए इस डिज़ाइन की चौथी सिलाई और रॉन्ग साइड, इसको हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से चौथी सिलाई मैंने इसकी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है, और अभी हमारी 4 सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आ गया है। बस यही 4 सिलाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं इन्हीं को आपने रिपीट करते हुए जाना है अपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो आपका इस तरह से ये खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है बनता हुआ जाएगा। आप भी इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आज का डिज़ाइन अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।